त्योहार आते ही एक बात का डर हमें सताने लग जाता है, और वो ये कि बाजार से जो मिठाई हम लेकर आ रहे हैं वो प्योर है कि नहीं, उसमें कहीं कोई मिलावट तो नहीं है। तो चलिए करते हैं अपने दिमाग से इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर, और घर पर ही बना लेते हैं बाजार से भी बेहतर मिठाई, वो भी बहुत आसानी से। शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ केसर पेड़ा की रेसिपी, जो आप बनाएंगे घर में केवल 10 मिनट में, वो भी बिना खोया या मावा के। चलिए बनाते हैं केसर पेड़ा। बाजार से जब हम मिठाई लेने जाते हैं तो हमें पड़ती है कभी 600 रुपए किलो, कभी 650 रुपए किलो, और केसर डला हो तो भाई और महंगी। लेकिन घर पर उसी खोए की मिठाई को हम बनाएंगे मात्र 250 रुपए किलो में, यानी कि आधे से भी कम दाम में, और वो भी इस तसल्ली के साथ कि ये बिल्कुल प्योर है। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या है हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए चाहिए हमें 250 ग्राम मिल्क पाउडर, आधा कप चीनी, यहाँ चीनी को मैंने पहले से ही पीस लिया है ताकि इसे मिलाना मेरे लिए आसान हो जाए, आधा कप दूध, 3 टेबलस्पून घी, कुछ पिस्ता जिसे मैंने काट लिया है सजाने के लिए है ये, आधा चम्मच केसर जिसे आधे चम्मच गुनगुने पानी में मैंने भिगो करके रखा हुआ है, और कुछ बूंदे लेमन येलो फूड कलर की। तो शुरू किया जाए अपना केसर पेड़ा बनाना, जिसको मैंने कहा ना बनाने में लगेंगे केवल 10 मिनट। तो सबसे पहले देसी घी ले लेते हैं पैन में, यहाँ मैं 3 चम्मच यानी कि 3 टेबल स्पून देसी घी ले रही हूँ। इस घी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा कप दूध भी। अब दूध और घी को हम पका लेंगे, इसे एक क्विक बॉईल पे ले आएंगे। इसे चलाते रहिए जब तक दूध और घी अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता और ये एक बॉईल पे नहीं आ जाता, देखिए इस तरह से। और अब इसमें ऐड करूंगी ये केसर जो मैंने भिगो करके रखा हुआ है। केसर के साथ भी इसे थोड़ा सा पक जाने दीजिए ताकि इसमें केसर की अच्छी सी खुशबू भी आ जाए और थोड़ा सा रंग भी। और अब इसमें ऐड करेंगे हम ये मिल्क पाउडर। कोई भी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप डिहाइड्रेटेड मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप डेरी वाइटनर का भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें घी अच्छी क्वांटिटी में डाला है। डेरी वाइटनर जो बिल्कुल फैट फ्री होता है वो घी इंश्योर करेगा कि इसमें सफिशेंट यानी कि जितनी हमें ज़रूरत है उतनी चिकनाहट हमारे खोए में आ जाए। तो अब ऐड करते हैं इसमें हम ये मिल्क पाउडर। अब इसे चलाते रहिए जस्ट टू इंश्योर कि ये सारा मिक्स हो जाए इसमें और इसमें कहीं कोई लम्प्स ना पड़े, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो देखिए पहले तो ये कंडेंस्ड मिल्क जैसे आपको लगने लग जाएगा, धीरे धीरे ये और गाढ़ा होने लगेगा। ये सारा काम आपको करना है धीमी आंच पे ताकि दूध नीचे से बिल्कुल भी जले नहीं, और इसे हम पकाते रहेंगे तब तक जब तक कि ये बॉल की तरह से इकट्ठा होना नहीं शुरू हो जाता। देखिए धीरे धीरे इसने कैसे गाढ़ा होना शुरू कर दिया है और पैन की साइड्स को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया है, बस अभी ये और गाढ़ा होता जाएगा बिल्कुल खोए के जैसे। तो ये देखिए ये ऐसा अब इकट्ठा होना शुरू हो रहा है। ध्यान इस बात का रखना है कि हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहें, चलाना बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आप तो जानती हैं कि अगर दूध नीचे लग जाए तो उसके जले की स्मेल किसी तरह से नहीं जाएगी। तो बस वैसा होने नहीं देंगे ना, हम इसे चलाते रहेंगे और हर तरफ से इसे छुड़ाते भी रहेंगे।
तो अब ये बढ़िया सा हमारा खोया या मावा रेडी हो गया, ये देखिए। और अब इस स्टेज पे ऐड कर देंगे हम इसमें चीनी, चीनी जिसे मैंने पहले से ही पीस करके रख लिया है ताकि इसमें आसानी से घुल मिल जाए। चीनी डाल के इसे चलाना शुरू करेंगे जब आप, तब आप नोटिस करेंगे कि पहले तो चीनी जब पानी छोड़ेगी ये थोड़ा पतला होने लग जाएगा, लेकिन इसे धीमी आंच पे चलाते रहिएगा, आंच तेज बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने आंच तेज की तो चीनी कैरमलाइज होने लग जाएगी और इसे जानते हैं ना क्या होगा, इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन की तरफ बढ़ने लग जाएगा और हाँ चीनी का भी एक कैरमलाइज्ड फ्लेवर आ जाएगा। तो चीनी को आप अच्छे से इसमें मिक्स हो जाने दीजिए। इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा लेमन येलो कलर भी, इसे भी मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए चीनी डालने के बाद ये वापस से फिर से एक बार थोड़ा सा रनी हो गया। अब इस स्टेज पे इसे चलाते रहिए लेकिन पका लीजिए। दिस शुड स्टार्ट कमिंग टुगेदर लाइक अ बॉल, यानी कि एक बॉल की तरह से इकट्ठा होने लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका पूरा का पूरा जो ये मिक्सचर है वो बड़ा स्टिकी हो जाएगा और आपके पेड़े ठीक से बनेंगे नहीं। तो उसके लिए इसे थोड़ा सा और हम सुखा लेंगे, चीनी ने जो पानी छोड़ा है उसे सुखाना भी बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे ये मिक्सचर फिर से एक बार पैन के साइड्स को छोड़ना शुरू कर देगा एंड इट विल स्टार्ट कमिंग टुगेदर लाइक अ बॉल। तो बस उतने स्टेज तक हमें इसे पकाते रहना है। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम और पकाएंगे और आप देखेंगे कि हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए अब ये एकदम बॉल के जैसे साथ में इकट्ठा होना शुरू हो गया है। गैस को कर देंगे बंद और इसे चलाते रहेंगे ताकि पैन में जितनी हीट बची है ना अभी उतनी हीट में ये थोड़ा सा और ड्राई आउट हो जाए। बस जैसे मैंने कहा था धीमी आंच पे ये काम करना है, तेज़ आंच पे ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। एंड वंस दिस इज डन इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो मिक्सचर सारा मेरा ठंडा हो चुका है, इसे बस थोड़ा सा मैं नीट कर लेती हूँ और अब इक्वल साइज के इसके हम बॉल्स बनाएंगे। इनको अच्छे से अपने पाम में आप ऐसे रब कीजिए तो होगा क्या कि आपकी पाम की जो गर्मी है, आपके हाथों की गर्मी है, इससे इसका घी हल्का सा पिघलेगा और वापस ये अच्छा सा एक चिकना सा शेप लेना शुरू कर देगा। मेरे पास है यहाँ पर एक छोटा सा कुकी कटर जिसकी मदद से मैं इसे एक सर्कुलर शेप दूंगी ताकि ये बिल्कुल हलवाई वाली शेप यानी कि परफेक्ट राउंड शेप में आ जाए। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप इसे ऐसे ही शेप कर सकते हैं, जस्ट प्रेस इट अ बिट एंड पेड़ा रेडी हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू शेप दिस इन माई कुकी कटर, जो एक्सेस हो उसे रिमूव कर देंगे और इसे फ्लैटन आउट कर देंगे। तो देखिए ऐसे एक परफेक्ट पेड़ा मेरे पास रेडी हो जाएगा। अब इस पर हल्का सा एक इंडेंट देंगे और इस पर एक केसर का धागा और थोड़ा सा पिस्ता रख देंगे हम फॉर गार्निश। ऐसे ही और पेड़े बना लिए जाएं। ये बताइए आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? नहीं किया? अरे भाई तो जल्दी कीजिए, तभी तो आपके साथ शेयर कर पाऊंगी ना मैं ऐसी ही बेहतरीन सी रेसिपीज। और हाँ, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक करके और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जस्ट इन केस आपका मिक्सचर जो है बहुत ड्राई होने लग जाए और इसको आप देखें रोल करते वक्त परेशानी आने लगे तो बस उसको हल्का सा माइक्रोवेव कर लीजिए 30 सेकंड्स के लिए, गरम कर लीजिए। ऐसा करने से उसका जो घी है वो वापस से पिघल जाएगा एंड इट विल बी वेरी इजी टू रोल दिस आउट। तो देखा आपने कैसे केवल 250 ग्राम मिल्क पाउडर के साथ हमने बना लिए घर पर ही बिल्कुल हलवाई जैसे पेड़े। ये मिल्क पाउडर के पेड़े हैं और आप इसे हर त्यौहार पर घर पर ज़रूर बनाइएगा।
सबको खिलाइएगा और जब सब आपसे पूछे कि भाई ये कहाँ से लाए तो बताइएगा ये तो हमने बनाए और बस क्या है, बडो लीजिएगा सबकी वाहवाही।